हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम वर्ब को एक बार फिर से देखेंगे। तो वर्ब के कुछ प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड, कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं। इसके अलावा नॉन फिनाइट वर्ब को हम देख चुके हैं कि नॉन फिनाइट वर्ब को कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग हटके वर्ब्स करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टू बी वर्ब क्या होती है। वर्ब्स को हम दो भागों में बांटते हैं, एक फिनाइट वर्ब और एक नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब में आती है ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं होती हैं। फ्रेंड देखिए, टू बी वर्ब जो है, इजमार, वाज वर्ब, इनको टू बी वर्ब कहा जाता है और इनका बहुत सारी जगह प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं टू बी वर्ब कब कैसे प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हैं कि टू बी वर्ब जो होती हैं, इनमें इज, एम, आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनकी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ब और इनकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। फ्रेंड, बहुत सारे सेंटेंस में टू बी वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। आज हम देखेंगे टू बी वर्ब्स का प्रयोग करके सेंटेंस को जब लिखा जाता है तो इनका अर्थ कैसे निकलता है, और इनको टेंस के हिसाब से भी हम देखेंगे कि टेंस के हिसाब से इनको कैसे प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है इजमार। टू बी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इजमार। तो फर्स्ट फॉर्म में इसका अर्थ क्या है कि हम इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। विशेष रूप से देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में। फ्रेंड, पहला उदाहरण देखें आप तो ही इज़ हैप्पी। किसी भी सेंटेंस को जो लिखने का तरीका रहता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हमने प्रेजेंट टेंस में क्योंकि हम लिख रहे हैं इसको, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को लिखा है। यहाँ आप देखेंगे तो इस पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है इज़। बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है फ्रेंड्स कि इज़ एम आर का प्रयोग हम केवल कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ हम कंटिन्यूस टेंस इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस तब होता है जब इसके साथ वी वन प्लस आई एन जी आती है। जैसे ही इज़ रीडिंग, सी इज़ स्लीपिंग, आई एम वर्किंग, तो यहाँ इज एम आर के बाद आप देखेंगे वी वन प्लस आई एन जी आ रही है। वी वन प्लस आई एन जी अगर इज एम आर के साथ आती है तो वो टेंस कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। यहाँ पे केवल एक ही वर्ब आ रही है इज़, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ही हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का ही एक प्रकार है। जब हम इज एम आर को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, उसके बाद सीधा एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो सैकड़ों इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, ही इज़ सिक, वह बीमार है। यहाँ आप देखें तो ही जो है सब्जेक्ट, सिक ऑब्जेक्ट, और इसके बीच में हम केवल एक ही वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, वो है इज़। तो ये क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसे हम टू बी वर्ब कहते हैं। इसी तरह से इंडिया इज़ बिग, भारत बड़ा है। दे आर विलेजर्स, वे ग्रामीण हैं। आई एम अ हिंदू, मैं एक हिंदू। मीडिया इज़ पावरफुल नाउडेज यानी होता है आजकल मीडिया ताकतवर है। द यूनिवर्सिटी इज़ फार अवे फ्रॉम हियर, यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत दूर है। तो सिंपल है, जो इज एम आर के साथ यहाँ देखिए आप नॉट लगा देंगे तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे दिस इज नॉट माय फॉल्ट, या मेरी गलती नहीं है। आई एम नॉट योर कोच, मैं आपका कोच नहीं हूँ। दे आर नॉट गुड लेबरर्स, वे अच्छे मजदूर नहीं है। आइए फ्रेंड देखते हैं इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड, जब वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव कहते हैं। हिंदी में इन्हें प्रश्नवाचक कहा जाता है। तो आर दे योर फ्रेंड्स, क्या वे
आपके मित्र हैं। इंटरोगेटिव का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ये हमेशा क्या से शुरू होता है, क्या वे आपके मित्र हैं? इज ही नॉट एन इंजीनियर, क्या वह एक इंजीनियर नहीं है? एम आई नॉट हेल्पफुल टू यू, क्या मैं आपके लिए मददगार नहीं हूँ? यहाँ देखिए एम को हमने सब्जेक्ट आई के पहले लिखा है, तो ये कहलाएंगे इंटरोगेटिव। आर दीज फाइल्स नॉट योर्स, यहाँ पे हम नॉट भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद में। दीज फाइल्स यहाँ सब्जेक्ट है, इसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यानी आर को लिखा, और यहाँ से सब्जेक्ट के पहले से उठा कर के हम आर को यहाँ ले आए, तो नॉट हम यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। तो ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव जब बनाना हो तो नॉट को लगा करके हम इंटेरोगेटिव निगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे आर दीज फाइल्स नॉट योर्स, क्या ये फाइलें आपकी नहीं है? इज द चाइल्ड इन द क्लास, क्या बच्चा कक्षा में है? आर टीचर्स नॉट वेल एजुकेटेड, क्या शिक्षक उच्च शिक्षित नहीं है? आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो जैसे वेयर इज योर वॉच, आपकी घड़ी कहाँ है? जब हम डब्ल्यू एच वर्ड्स लगा देते हैं फ्रेंड्स तो ये कहलाते हैं क्वेश्चन यानी प्रश्न। डब्ल्यू एच वर्ड्स के बाद भी फ्रेंड हमेशा ध्यान रखिए पहले सहायक क्रिया आती है और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है। कभी ध्यान भी हम रखिए डब्ल्यू हमेशा एच कि वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग हम जब भी करते हैं तो इसके बाद हम सबसे पहले सहायक क्रिया को लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यानी इंटरोगेटिव में जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पे भी हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर आता है, अंत में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क को लगाया जाता है। तो जैसे देखें तो वाई इज सी एट होम ऑन मंडे, वह सोमवार को घर पर क्यों है? हु इज योर फादर, आपके पिता कौन है? वेयर इज योर नेटिव प्लेस, आपका गृह स्थान कहाँ पर है? फ्रेंड्स अब हम देखते हैं टू बी वर्ब का पास्ट में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर। तो देखिए पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो जब हम इज एम आर की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब को लगाते हैं किसी सेंटेंस में तो ये टेंस के अकॉर्डिंग कहलाता है पास्ट इंडेफिनेट। जैसे ये सेंटेंस देखें आप, तो ही वाज इन द ऑपरेशन थिएटर, वह ऑपरेशन थिएटर में था। वाज का मतलब होता है था। यहाँ आप देखें तो ये सब्जेक्ट है ही और ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ही वर्ब का प्रयोग हम कर रहे हैं वाज, ये टू बी वर्ब का पास्ट रूप है। देखिए फ्रेंड द कंपनी वाज इन लॉस इन 1990s, 1990 के दशक में कंपनी घाटे में थी। सोल्जर्स वर होपलेस बाय द एंड ऑफ मंथ, महीने के अंत तक सैनिक होपलेस थे, होपलेस यानी निराश थे। फार्मर्स ऑफ इंडिया वर अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड, भारत के किसान अशिक्षित और अकुशल थे। बिफोर द इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले। आइए फ्रेंड हम देखते हैं हम निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो सिंपल वही तरीका है जैसा हमने प्रेजेंट में देखा था। प्रेजेंट में हम इज एम आर के साथ नॉट लगा देते हैं या हम वाज वर के साथ में नॉट लगा देते हैं। तो देखिए जैसे आई वाज नॉट इन अ बैड मूड, मैं खराब मनोस्थिति में नहीं था। द मूवी वाज नॉट एज गुड एज आई थॉट, पिक्चर उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि मैंने सोचा था। दे वर नॉट इन अ हरी, वे जल्दी में नहीं थे। ऑल शॉप्स वर नॉट क्लोज्ड ऑन संडे, संडे को रविवार को सारी दुकानें बंद नहीं थीं। द रूल्स एंड रेगुलेशंस वर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, नियम कानून बहुत ज्यादा सख्त नहीं थे। आइए फ्रेंड हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव को कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल वही तरीका है जैसा हमने प्रेजेंट में देखा। प्रेजेंट में हम इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, पास्ट में हम वाज वर को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि वर दे प्रेजेंट इन द सेमिनार,
क्या वे सेमिनार में उपस्थित थे? वाज सी अपसेट इन द पार्टी, क्या वह पार्टी में अपसेट थी, यानी क्या उसका मन खराब था, क्या वह क्रोध में थी? वाज आई नॉट इन योर सपोर्ट, क्या मैं आपके सपोर्ट में नहीं था? वर द मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स नॉट ऑनेस्ट, क्या मंत्री और अधिकारी ईमानदार नहीं थे? वाज दैट नॉट बनियन ट्री, क्या वह एक बरगद का पेड़ नहीं था? आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता। तो जब डब्ल्यू एच वर्ड्स का प्रयोग हम करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन चाइल्डहुड, बचपन में आपका सबसे अच्छा मित्र कौन था? वेयर वाज द हॉस्पिटल इन द विलेज, गांव में अस्पताल कहां पर था? Why was the village headman not happy with farmers? गांव का मुखिया किसानों से खुश क्यों नहीं था? How was her mother when she reached at home? उसकी माँ कैसी थी जब वह घर पहुंची? Where was the head office of the newspaper in 1980s? 1980 के दशक में अखबार का हेड ऑफिस कहां पर था? आइए फ्रेंड हम टू बी वर्ब का फ्यूचर में कैसे प्रयोग किया जाता है ये देखते हैं। तो जब फ्यूचर में देखिए प्रयोग करते हैं तो टू बी वर्ब जो है इसको हम सहायक क्रिया विल या शैल के साथ जोड़कर लिखते हैं। तो फिर इज एम आर या वाज वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। फ्यूचर में आप जानते हैं कि विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी वर्ब जो है इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में विल शैल के साथ में लिखते हैं। बी का अर्थ होना, रहना, निकलना, इस तरह से निकलता है। तो विल प्लस बी, ये बी यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे उदाहरण देखें, ही विल बी इन अ गुड मूड टुडे, आज वह अच्छे मूड में होगा, अच्छी मनोस्थिति में होगा। तो बी का मतलब यहां निकल रहा होना। आई शैल बी विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा आपके साथ होऊंगा। मदर विल बी हैप्पी विद यू ऑल, माँ आप सब से खुश होगी। यहां आप सभी जगह देख सकते हैं कि बी का अर्थ होना निकल रहा है। द स्कूल विल बी ऑफ टुमारो, कल स्कूल बंद होगा। ऑफ मतलब होता है बंद, बी यानी होना। आइए फ्रेंड देखते हैं निगेटिव कैसे बनाएंगे फ्यूचर में। तो फ्रेंड फ्यूचर में हमेशा विल के साथ या सेल के साथ नॉट जोड़ के बनाया जाता है नेगेटिव। तो विल नॉट को जोड़ करके हम शॉर्ट में वांट भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको अलग अलग विल नॉट या सेल नॉट ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ही वांट बी एट होम ऑन 5th ऑफ दिस मंथ, वह इस महीने की 5 तारीख को घर पर नहीं होगा। बी यानी होना, होगा नहीं। The bank will not be open for the customers on Sundays also. Bank Sundays यानी हर रविवार को, बैंक रविवार को भी कस्टमर्स के लिए खुला नहीं होगा। This will not be big news for the audience, या श्रोताओं के लिए बड़ी खबर नहीं होगी। He will not be in support of the government, वह सरकार के समर्थन में नहीं होगा। आइए फ्रेंड हम देखते हैं इंटेरोगेटिव को कैसे बनाया जाता है। तो जैसा हमने पहले देखा फ्रेंड कि सब्जेक्ट के पहले जब हम सहायक क्रिया को ले आते हैं तो ये इंटेरोगेटिव कहलाता है। तो जब हम विल को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये कहलाएगा इंटेरोगेटिव। जैसे विल द डॉक्टर बी इन द हॉस्पिटल एट नाइट, क्या डॉक्टर रात में हॉस्पिटल में होगा? होगा, बी यानी देखिए हमेशा होगा, ऐसा होना ऐसा निकलता है। विल मदर बी एंग्री विद यू, क्या माँ आपसे क्रोधित होगी? शैल वी नॉट बी रिच बाय 2030, क्या हम 2030 तक अमीर नहीं होंगे? Will children be prepared to face new challenges?
क्या बच्चे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे? विल पीपुल बी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट? क्या लोग सरकार के फैसले के खिलाफ होंगे? आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं टू बी वर्ब जो है इसका हम परफेक्ट टेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बी जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, और परफेक्ट टेंस में हम प्रेजेंट में जैसे हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहां बीन को हम थर्ड फॉर्म के रूप में लिख रहे हैं हैज हैव के साथ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। बीन का मतलब रहना, होना, जाना, इस तरह से निकलता है। जैसे उदाहरण देखें, ही हैज बीन इन लंदन फॉर 10 ईयर्स, तो इन कह रहे हैं इसका मतलब, इन मतलब में, वह 10 साल लंदन में रह चुका है। यहां बीन का अर्थ निकलेगा रहना, वह 10 साल लंदन में रह चुका है। पास्ट में फ्रेंड हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, जैसे सी हैड बीन विद मी फॉर हाफ अ ईयर, वह मेरे साथ आधे साल रह चुकी है, यानी 6 महीने रह चुकी है। सी हैज नॉट बीन, देखिए नॉट लगा देंगे हैज हैव हैड के साथ तो ये हो जाता है निगेटिव। सी हैजंट बीन सीरियस ऑन दिस इश्यू, वह इस मुद्दे पर गंभीर नहीं रही है, वह इस मुद्दे पर गंभीर नहीं रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैज हैव के साथ यहां बीन हम थर्ड फॉर्म के रूप में लगा रहे हैं। ही हैज बीन ऑन लीव फॉर 2 वीक्स, वह 2 हफ्ते से छुट्टी पर रहा है, वह 2 हफ्ते से छुट्टी पर है। फ्रेंड देखिए, फॉर या सेंस लगा करके हम समय परफेक्ट टेंस में बताते हैं। यहां पे हम कह रहे हैं कि 2 हफ्ते से वह छुट्टी पर है, तो इसे हम परफेक्ट टेंस में ही लिख सकते हैं। तो ही यहां पे एक वचन है इसलिए हैज लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और बीन को यहां पे हम थर्ड फॉर्म के रूप में लिख रहे हैं। सीज हैड बीन ऑन द हिमालयाज फॉर ईयर्स, ईयर्स मतलब सालों से, वर्षों से, साधु वर्षों से हिमालय पर रह चुका था, साधु वर्षों हिमालय पर रह चुका था। यहां बीन का अर्थ निकलेगा रहना। फ्रेंड हैज हैव को जब हम आगे ले आएंगे तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा, जैसे हैव यू एवर बीन टू जापान, यहां देखिए हैव यू एवर बीन, यहां पे एक ही वर्ब आ रही है बीन, मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां बीन का अर्थ निकलेगा जाना क्योंकि टू लगा रहे हैं। क्या आप कभी, एवर मतलब होता है कभी, क्या आप कभी जापान गए? हैज सी बीन ऑन लीव सिंस मई, क्या वह मई से छुट्टी पर है? यहां समय हम बता रहे हैं, सिंस फॉर लगा करके समय बता सकते हैं। यहां बीन का मतलब निकलेगा रहना या होना, क्या वह मई से छुट्टी पर है? हैव दे बीन टू सिनेमा रिसेंटली, क्या वे हाल ही में सिनेमा गए थे? यहां देखिए बीन का अर्थ निकल रहा है जाना। फ्रेंड्स अब हम कुछ अलग हटके प्रयोग देखते हैं टू बी वर्ब का। तो टू बी वर्ब के बाद यदि इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाए, यानी टू प्लस वी वन, तो इसका प्रेजेंट में अर्थ निकलता है करना है, जैसे कोई काम करना है, जैसे उसे बाजार जाना है, मुझे खाना खाना है, बच्चों को पढ़ाई करना है, तो ये जो ना है हम बोलते हैं अंत में, इसको लिखने के लिए हम टू बी वर्ब को इन्फिनेटिव से जोड़ के लिखते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में देखें हम, ही इज टू वेट फॉर द रिजल्ट, यहां आप देखें इज ए मार्क के बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर रहे हैं टू वेट, ही इज टू वेट, ये इज ए मार्क टू बी वर्ब है और ये इन्फिनेटिव लगा रहे हैं, तो यहां इसका अर्थ निकलेगा करना है, उसे परिणाम का इंतजार करना है। दे आर टू विजिट फ्रांस इन जून, उन्हें जून में फ्रांस की यात्रा करना है, उन्हें जून में फ्रांस की यात्रा करना है। चिल्ड्रन आर टू बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग द हिल, पहाड़ पर चढ़ने के दौरान बच्चों को सावधान रहना है। यू आर टू ड्राइव द कार नाउ, अब आपको कार चलाना है। आई एम टू वॉच दिस मैच टुडे, मुझे आज इस मैच को देखना है।
ही इज टू पे द बिल, उसे बिल का भुगतान करना है। फ्रेंड इस तरह के सेंटेंस का नेगेटिव सिंपल इज एम आर में नॉट जोड़ देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे सी इज नॉट टू लर्न ड्राइविंग, उसे गाड़ी चलाना नहीं सीखना है। ही इज नॉट टू टॉक टू द स्ट्रेंजर्स, उसे अजनबियों से बात नहीं करना है। इसी तरह से फ्रेंड जब हम इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये बन जाता है इंटेरोगेटिव। तो जैसे इज सी टू टेक एग्जाम टुमारो, क्या उसे कल परीक्षा देना है। देखिए फ्रेंड हिंदी में देना कहते हैं परीक्षा देना, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए टेक वर्ड लिखा जाता है। यहाँ इसका अर्थ निकलेगा क्या उसे कल परीक्षा देना है, लेना है नहीं बोलेंगे। आर द सर्वेंट्स टू स्टे एट द मिनिस्टर्स बंगलो ऑल द टाइम, क्या नौकरों को मंत्री के बंगले पर पूरे समय रुकना है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो तरीका वही है, जब हम डब्ल्यू एच वर्ड्स को जोड़ देते हैं और उसके बाद सहायक क्रिया पहले और सब्जेक्ट बाद में और इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर रहेगा और अंत में इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे वेयर इज सी टू स्टे इन दिल्ली, उसे दिल्ली में कहाँ रुकना है। वेयर यानी होता है कहाँ, स्टे यानी होता है रुकना, दिल्ली में कहाँ रुकना है। हु इज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एट नाइट, रात में बच्चे की देखभाल किसको करना है। वेयर इज द ड्राइवर टू पार्क द कार, ड्राइवर को कार कहाँ पर खड़ी करना है। आइए फ्रेंड हम देखते हैं पास्ट टेंस में टू बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सिंपल पास्ट में टू बी वर्ब जो है वाज वर्ब हो जाती है और वाज वर्ब के बाद हमको टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव को लिखना, तो इसका अर्थ निकलता है करना था। जैसे ही वाज टू स्लीप अर्ली दैट डे, उस दिन उसको जल्दी सोना था। वी वर टू बाय सम थिंग्स फ्रॉम द शॉपिंग मॉल, हमको शॉपिंग मॉल से कुछ चीजें खरीदना था, खरीदना था। आई वाज टू ओपन द शटर ऑफ द शॉप, मुझे शॉप यानी दुकान की शटर खोलना था। नेगेटिव बनाने का सेम तरीका है फ्रेंड, वाज वर्ब के साथ जब आप नॉट जोड़ देंगे तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएंगे। जैसे कि ही वाज नॉट टू से एनीथिंग ऑन दैट मैटर, उसे उस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना था। द पुलिस वर नॉट टू अरेस्ट द सस्पेक्ट, पुलिस को संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं करना था। द आर्मी वाज नॉट टू सरेंडर ऑन एनी सर्कमस्टेंसेस, सेना को किसी भी परिस्थिति में आत्मसमर्पण नहीं करना था। हम देखते हैं फ्रेंड इंटेरोगेटिव कैसे बनाना। तो जब हम सहायक क्रिया को यानी वाज वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये हो जाता है क्वेश्चन। वाज सी टू अरेंज अ ह्यूज सम फॉर हर सिस्टर्स मैरिज, क्या उसे अपनी बहन की शादी के लिए एक बड़ी राशि की व्यवस्था करना था, करना था। और वाज पहले आ रहा है यानी क्या से सेंटेंस शुरू होगा। वर दे टू हाइड द फैक्ट्स, क्या उन्हें तथ्यों को छुपाना था। वाज ही टू ड्राइव द बस फास्ट, क्या उसे बस तेजी से चलाना था। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाना इस तरह के स्ट्रक्चर में। तो जब हम डब्ल्यू एच वर्ड्स को लगा देते हैं और डब्ल्यू एच वर्ड जब भी आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण देखें तो वेयर वर दे टू रेसाइड इन द विलेज, उन्हें गाँव में कहाँ पर रहना था। रेसाइड मतलब होता है निवास करना, रहना, उन्हें गांव में कहाँ रहना था। Why was she to leave the job, उसे नौकरी क्यों छोड़ना था। Why मतलब होता है क्यों, leave मतलब होता है छोड़ना, उसे नौकरी क्यों छोड़ना था। Who was to seek the solution to the problem, समस्या का समाधान किसे खोजना था। Seek मतलब होता है खोजना, समस्या का समाधान
किसे खोजना था। तो फ्रेंड आज हमने टू बी वर्ब के प्रयोग को देखा। टू बी वर्ब का प्रयोग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कैसे किया जाता है, परफेक्ट में कैसे करते हैं और इन्फिनेटिव के साथ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसके पहले की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। अपने व्यूज़ एंड सजेशंस मुझे भेजते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, टेल योर फ्रेंड्स आल्सो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आपका।